भीम जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं दीप प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। आज हम वीडियो में भारतीय पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित करने वाली पत्रिकाओं को और संपादक को साथ ही लेखकों का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, पीछे आप देख रहे हैं डिप्रेस्ड एक्सप्रेस है और ये मैगजीन है हमारे एक प्रतिभाशाली साथी संपादक साथी डीके भास्कर की। तो जब भी हमारे पास कोई मैगजीन आती है, पुस्तक आती है, तो हम उसका रिव्यू करते हैं। तो आज सितंबर का अंक हमको यह मिला था, यह 2023 का सितंबर का अंक है। नाम अगर आप देख लीजिएगा तो डिप्रेस्ड एक्सप्रेस है, लेकिन इसकी टैगलाइन आप समझिएगा क्या है। सदियों से दबाई गई निर्बल अव्यक्ति की हुंकार, यानी सदियों से वंचित समाज की जो आवाज है वो दबाई जाती रही, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, अव्यक्ति के रूप में भी। और आप जानते ही हैं कि पत्रकारिता एक ऐसी चीज है, ऐसी विचारधारा है जिसने सत्ता बदल दी, राष्ट्र की धारा बदल दी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर अगर मानवर काशीराम साहब तक की बात करें तो सारे महापुरुषों ने अपने पत्र चलाए हैं। साथ ही हमारे पूरे मूवमेंट में जगह जगह पर लोग पत्रिकाएं चला रहे हैं। उसी पत्रिका के रिव्यू में आज हमारी कड़ी में शामिल है डिप्रेस्ड एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहां पर आज हमारा जो एक सेक्शन है इस पत्रिका का, जो मुझे मिला दो टूक, यानी इस सेक्शन के अंतर्गत एक भारत के बहुजन विचारक दार्शनिक हैं और अच्छे लेखक माने जाते हैं। विभिन्न पत्रिकाओं में, अखबारों में इनके लेख छपते भी हैं और उनका नाम है कमल भारती जी। ठीक है, इन्होंने एक लेख लिखा संविधान के विरोध का निहितार्थ, यानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। एक विचारधारा है जो संवैधानिक विचारधारा पर लगातार हमले कर रही है। कुछ लोगों को लगता है कि संविधान पर खतरा है, कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा जो बहुत है संविधान को बदला जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि संविधान में खतरा भी है और ये अपनी विचारधारा को स्थापना भी करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान के हमेशा विरोधी रहे हैं। ठीक है, कमल भारती जी का लेख है। अब इसमें क्या क्या लिखा है हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या समझाना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है कि उनके विचारों को आप तक अपने अनुभव से पहुंचा सकूं। यहां पर उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि आरएसएस और भाजपा के कार्यकलाप उनके एजेंडे में पहले से ही रहते हैं। मतलब देखिए, जब आपका चिंतक होता है, बहुजन चिंतक की अगर बात करें, तो वो दूरदृष्टा होता है। उसकी नजर घटना के साथ साथ आगामी 100 साल तक उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उस पर भी रहती है। यहाँ क्या कहते हैं वो समझाते हैं, कहते हैं आरएसएस और भाजपा के कार्यकलाप उनके एजेंडे में पहले से ही रहते हैं, चाहे ओबीसी के आरक्षण का विरोध हो। ध्यान रखना, जो मंडल कमंडल का लफड़ा हुआ था, जब जैसे ही मंडल आयोग लागू हुआ और कमंडल लेके उनकी यात्रा निकलने लगी, वो सीधा सीधा ओबीसी के आरक्षण का मामला था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो, राम मंदिर हो, या ज्ञान व्यापी या मथुरा की मस्जिद हो, धारा 370 हो, संविधान बदलने का मुद्दा हो, वो सब उनके एजेंडे पहले से ही हैं। यानी हम और आप अचानक चर्चाओं में देखते हैं कि उन्होंने नया सीयू पर छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका एक एजेंडा बना हुआ है कि अपनी संस्कृति को थोपना और सामाजिक न्याय और सामाजिक जो विकास है उसको अवरोधित करना, विशेषकर उनका जो वंचित समाज की जातियां हैं, उन्हें जिस काम को करना होता है उसके बारे में भी सालों पहले से ही वातावरण बनाना शुरू कर देते हैं। याद कीजिए, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था तो बहुत पहले से बनाते रहे। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो चीज उन्हें टारगेट में लेनी होती है, जिसे पूरा करना होता है, उसका माहौल वो बहुत पहले से बनाते हैं। और खासियत यह भी है कि वे अपने एजेंडे के कार्यान्वयन के लिए पिछड़ी जातियों के नेताओं को ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी सीधा सीधा उन्होंने टारगेट किया कि जो आरएसएस है, बीजेपी है, अपने लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए किसको आगे करती है, ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के नेताओं को यूज करती है, प्रयोग करती है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि राम मंदिर की में जो बहुजन समाज की जो ओबीसी जातियां थी उनके नेताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी, कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती। आज आप राष्ट्रीय परिदृश्य में देखिएगा तो ये लगभग पूरे गायब है। कलर सिंह तो अब नहीं रहे,
लेकिन उनके बच्चे की जो फैमिली है उनका जो राजनीतिक परिवार था वो लगभग ये कहिए कि पृष्ठभूमि से गायब ही है। विनय कटियार भी पूरी तरह से लगभग गायब है, जबकि उस आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान इन तीन नेताओं का रहा है, जैसे लोधी समाज के दोनों नेता थे और विनय कटियार कुर्मी समाज के आते हैं, जो कि ओबीसी की बहुत मजबूत जातियां हैं और पहले ये शासन में भी रही हैं। अब देखते हैं उनका किसी भी विध्वंसक घटना का अध्ययन कर लीजिए, आप पाएंगे कि उसके पक्ष में उन्माद तैयार करने से लेकर उसे अंजाम तक पहुंचाने का सारा काम पिछड़ी जातियों के द्वारा किया गया है। अब इसमें देख क्यों किया गया है, देखिए कल्याण सिंह का एक बयान था और उन्होंने कहा था कि जैसे ही हम केंद्रीय सत्ता में आएंगे संविधान को बदल देंगे। ये बात किसी और ने नहीं कही, उस व्यक्ति ने कही जो आरक्षण से ही पहुंचा था, आरक्षण से ही उसकी जाति उसका समुदाय लाभान्वित था और वही कहता है कि संविधान को हम बदल देंगे, आरक्षण को हम खत्म कर देंगे। ये किसी सामान्य व्यक्ति का बयान नहीं था, ऐसे व्यक्ति का बयान था जो उत्तर प्रदेश का सीएम रह चुका था। इस बात को कमल भारती जी पॉइंट आउट भी करते हैं। देखिए इन्होंने कहा भारतीय संविधान का विरोध की बात करें तो बड़ा ऐतिहासिक पहलू उन्होंने छुआ है और आपको ये लेख पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि आपका चिंतक क्या ले जा रहा है, किस तरह से आपको इतिहास के बारे में समझा रहा है कि आज जो घटनाएं घट रही हैं वो कोई नई नहीं है, इसकी वैचारिक जो बीज है उसका जो वैचारिक बीज है वो पहले ही बोया जा चुका है। क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का विरोध और सत्ता में आने पर उसे हटाने का मुद्दा भी आरएसएस के एजेंडे में 1949 से ही है। यानी ध्यान रखिएगा जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949, तब से ही आरएसएस जो है और बीजेपी, तो तब बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ था, लेकिन दोनों पार्टियां क्या करती थी, संविधान को स्वीकार करती ही नहीं थी। या देख लीजिए उस समय के अखबारों में छपे आरएसएस नेताओं के बयान देखे जा सकते हैं जिनमें कहा गया था कि भारतीय संविधान में भारतीय जैसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस का एक मुख्य पत्र है दी ऑर्गेनाइजर, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें बकायदा डेट के साथ कमल भारती जी बता रहे हैं क्या कि 30 नवंबर 1949 के अंक में संविधान के विरोध में जो संपादकीय छपा था उसमें कहा गया था कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भारतीय कहा जाए, इसमें न भारतीय कानून है, न भारतीय संस्थाएं हैं, न शब्दावली है और न पदावली है। सीधा सीधा ये मनुस्मृति को चाहते हैं कि मनुस्मृति को इसमें स्थान नहीं दिया गया था, जो कि स्त्री विरोध करती है, जातिवाद को पोषित करती है, पाखंड को पोषित करती है और एक वर्ग को अधिकार देती है अन्य समुदाय पर राज करने का। कहने का मतलब है कि उनका भूमिका था कि इसमें मनुस्मृति जैसी के मनुस्मृति जैसे प्रावधान नहीं है। आपने देखा होगा आजकल मनुस्मृति की चर्चा होने लगी है, बीजेपी और आरएसएस के नेता मनुस्मृति को लाने लगे हैं, वो चाहते हैं कि वो जो कार्य करें उनसे कोई जवाबदेही न ले, अगर वो कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं तो उन्हें सामान्य तरीके से छोड़ दिया जाए, इसीलिए परिवर्तन की बातें ये लोग कर रहे हैं क्योंकि संविधान इसमें बाधा उत्पन्न करता है। वो कहता है कि अगर तुम हत्या करोगे तो तुम उतना ही सजा पाओगे जैसे अन्य कोई हत्या करता है, क्योंकि पहले ब्राह्मण अवैध था, ब्राह्मणों को इसमें सजा नहीं मिला करती थी, तो उनकी जो असमान जो कानून थे उसकी राह में बाधा क्या है, संविधान बन रहा है। इस बात को कमल भारती जी समझाना चाह रहे हैं। अब यहां पर देखिए उन्होंने कहा प्राचीन समय प्राचीन भारत के मनु के कानूनों का उल्लेख नहीं है, ये कहा गया उसमें संपादकीय में आरएसएस के मुख्य पत्र में जिन्होंने दुनिया को प्रेरित किया कि हमारे संवैधानिक पंडितों खासकर अंबेडकर भी टारगेट में है और नेहरू भी टारगेट में है के लिए उनका कोई अर्थ नहीं है। यह विरोध लिखने और बोलने तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसके विरोध में आरएसएस ने प्रदर्शन भी किए थे और दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला भी जलाया गया था। यही वही आरएसएस है जिसने जनसंघ बनाया और उसने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला दिल्ली में फूंका था। इस बात को बता रहे हैं कमल भारती जी, ध्यान रखिएगा जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं उन्हें इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान समझना चाहिए। अगर आप आरएसएस और बीजेपी को अगर वोट करते हैं तो अपने उन नेताओं से ये जरूर पूछना चाहिए कि आपने डॉक्टर अंबेडकर का पुतला क्यों जलाया था, आपने अपने द ऑर्गेनाइजर में संविधान के विरोध में क्यों
लेख लिखा था वो भी संपादकीय, अगर आप उनकी पार्टी में हैं उनको वोट करते हैं तो मुझे लगता है आपको इस मसले पर प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। साथ ही यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस की मुख्य चिंता मनुस्मृति है, जिसका कोई कानून, कोई संस्था और कोई शब्दावली भारतीय संविधान में नहीं ली गई, क्योंकि वो चाहते थे कि संविधान में मनुस्मृति के कानून लागू हो। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संविधान बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा, अनुच्छेद 13 में उन्होंने रूढ़ी परंपराओं को भी विधि माना है, लेकिन कैसे होना चाहिए विज्ञान सम्मत और सामाजिक पृष्ठभूमि में कैसा होना चाहिए सामाजिक न्याय की मानने वाली होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति को जलाया भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह पूरा ग्रंथ ही क्या है मानवता के विरोध में लिखा गया है, स्त्री विरोध और एक बहुत बड़े वर्ग जिसे वंचित समुदाय कहते हैं उसके खिलाफ तो छोड़ दिए, ये मानवता के खिलाफ ग्रंथ है। अब यहां पूरी एक लिस्ट वो लिखते हैं, जब मंदिर का उन्माद जोरों वातावरण में फैला हुआ था तो बाबरी मस्जिद तोड़ी जा चुकी थी, लेकिन यहां वो पॉइंट आउट करते हैं कि 29 जनवरी 1993 को भाजपा के ओबीसी नेता कल्याण सिंह ने फैजाबाद में कहा था, मैं ललकार कर कहता हूं कि मुझे ढांचे के टूटने का कोई पछतावा नहीं है, हम केंद्र में आएंगे तो संविधान में बदल देंगे। अब कहां पर है, मंदिर तोड़ते वक्त ये बात कही गई थी और आज 2024 में मंदिर का निर्माण होने वाला है और इसी के साथ ये क्या कह रहे हैं कल्याण सिंह की बात कि संविधान भी बदल देंगे, यानी मंदिर निर्माण के साथ संविधान को बदलना इनके एजेंडे में था, ये एजेंडा उस वक्त 1993 में बाहर आया था, इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कौन, कमल भारती जी, कि बहुजन समाज के नेताओं को और खासकर ओबीसी और एससी एसटी के लोगों को ये समझना चाहिए कि संविधान को बदलने की इनकी परंपरा, इनकी विचारधारा क्यों है, क्या कारण है और किस तरह से वो अंजाम देने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, भाजपा सरकार ने संविधान और बुद्ध के प्रति अपनी सोच अपनी दो घटनाओं से प्रकट कर दी थी, क्योंकि बौद्ध धर्म से इन्हें खतरा है, बौद्ध धर्म तार्किकता की बात करता है, वो कहता है कि जो भी तर्क और विज्ञान की कसौटी पे ना हो उस बात को ना मानिएगा, ठीक है। तो इसमें भी बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया उन्होंने कि 1992 में अयोध्या में अंबेडकर के पुण्यवार दिवस पर बाबरी मस्जिद गिरा करके संविधान में अपनी अनास्था प्रकट कर दी थी, यानी जिस दिन बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिनिर्माण हुआ, जिसे बहुजन समाज के जो लोग हैं उसे शोक के रूप में मनाते हैं, अपने मसीहा के लिए श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित करते हैं, और उसी दिन बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। तो ये इसके पीछे कारण ये था कि ये एक समुदाय को अलग करना चाहते थे, क्योंकि मंदिर बनेगा, मस्जिद तोड़ी गई है तो कुछ वर्ग उसका उत्सव मनाएंगे और कुछ लोग शोक मनाएंगे, आदरांजलि के लिए प्रोग्राम करेंगे, तो ये समाज को लड़ाने की साजिश थी, ये बीजेपी और आरएसएस की ये जो साजिश है, जो सदियों से ये विभाजनकारी समाज बनाते रहे हैं, विभाजन के वर्ग बनाते रहे हैं, विभाजन की विचारधाराएं पोषित करते रहे हैं, ये उसी क्रम में इन्होंने 6 दिसंबर की जो डेट चुनी है वो मस्जिद तोड़ने की, वो इसलिए ताकि दलित और मुस्लिमों में हमेशा लड़ाई हो और तीसरा वर्ग अपना आनंद लेता रहे। 1998 में जब पोखरण विस्फोट हुआ तब उन्होंने कहा इस्माइल बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध ने तो हमेशा शांति की बात की, बात संवाद से मसलों को हल करने की बात की है, और यहां पर ये कहते हैं कि परमाणु विस्फोट करके हमला दूसरों की अगर हानि पहुंचाएंगे तो उसमें लॉर्ड बुद्धा कहां से, इन भगवान बुद्ध है वो कहां से मुस्करा जाएंगे, तो उनको जो नाम रखा गया, वैसे तो ये छोटे छोटे नाम के लिए अपने देवी देवताओं को अपने समाज के लोगों को आगे रखते हैं, लेकिन जब पोखरण विस्फोट की बात आई जहां से सारी दुनिया ने भारत पर एक प्रतिबंध लगाया, हालांकि हमारी क्षमता थी कि हम उन प्रतिबंधों को झेल गए, लेकिन इन्होंने बुद्ध को क्या कर दिया, बुद्ध जयंती का जो चुनाव किया गया था वो उसकी सोची समझी साजिश के तहत था, ये बात यहां पर बता रहे हैं। अब देखिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान बदलने के लिए आरक्षण के ऊपर हमला करने के लिए एक इनका एक लेखक वर्ग भी होता है, वो बेचारे रूप से लिखता है, माहौल बनाता है, फिर मीडिया माहौल बनाती है, उसी क्रम में आप देखिएगा
1998 में केंद्र में जब पहली बार भाजपा सरकार कायम हुई तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहला काम भारतीय संविधान को बदलने के लिए एक समीक्षा समिति बनाने का ही किया था। इनके मूल एजेंडे में संविधान बदलना, तो इसका उन्होंने पहला प्रारंभ कहां से किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और सही मायने में देखा जाए संविधानवादी जो लोग हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी को कटघरे में इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि वो संविधान बदलने वाला, यानी उनके जो दो चेहरा थे, एक तो सॉफ्ट था जो राष्ट्र की बात करता था और पीछे जो चेहरा था बहुत घिनौना चेहरा था जो वो चाहते थे कि ये संविधान बदला जाए, उसे वंचित समाज की जो बातें हैं, जो सामाजिक न्याय की जो बातें हैं वो खत्म कर दी जाए और एक वर्ग विशेष करके जो जातिवादी वर्ग है उनका सब सारी संस्थाओं में क्या हो जाए, स्थापना हो जाए, भाई हुआ भी है। देखिए यहां पर एक लेखक है अरुण सौरी, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ किताब लिखी और एक है शैलेश मटियानी। अरुण सौरी मुसलमानों के जो बरेलीवी जो संप्रदाय है उसके खिलाफ उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ फतवाज लिखी, इससे वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे भी काफी हुए थे, ध्यान रखिएगा। साथ ही अंबेडकर को भी टारगेट में लिया, संविधान को भी टारगेट में लिया और वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड्स अंबेडकर एक पुस्तक लिखी थी। और अरुण सौरी, देखिए मुसलमानों ने तो दंगे कर लिए लेकिन अरुण सौरी को करारा जवाब भी मिला था, अंबेडकर वादियों ने उन्हें जवाब भी दिया, पूना में उनके चेहरे पर काली की पोत दी, इससे बीजेपी बैकफुट में आ गई कि डॉक्टर अंबेडकर को छेड़ना अब डायरेक्ट और संविधान को छेड़ना दिक्कत में है, इसीलिए उन्होंने संसद में बैठ करके अंदर से बदलाव करना शुरू किया है, यानी संवैधानिक तंत्र से संवैधानिक संस्थाओं में बैठ करके तानाशाही को स्थापित करना। ऐसे ही समझ लीजिए जैसे पहले एक राजा हुआ करता था, फिर राजा कैसे चुना जाता था, आप ऋग्वेद में ऋग्वेद काल में जाएंगे तो राजा जनता चुनती थी, फिर पुरोहित के साथ यानी धर्म और राजनीति ने गठबंधन किया, किसके साथ में, वित्त के साथ में यानी व्यापारियों के साथ में, और राजा की शक्ति बढ़ती चली गई और बाद में राज व्यवस्था लागू हो गई। उसी पैटर्न पर ये इस देश में अपनी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इस पूरा जो लेख का जो सारांश है वो ये है कि इनके जो एजेंडे हैं वो पहले से तय हैं, संविधान उनके विरोध में है, संविधान के ये विरोधी हैं, ऐसा जो कमल भारती जी हैं उनका मानना है, और ये विरोध का एजेंडा आजादी के समय से ही लागू है। संविधान लागू होने के साथ साथ इनका ये विरोध का एजेंडा आज तक अनवरत जारी है। इस लेख का मतलब ये था, हालांकि ये मैंने अपने एनालिसिस से बताया है, इससे अच्छे गंभीर विश्लेषण भी हो सकते हैं, इससे अच्छे विश्लेषण भी हो सकते हैं, और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि किसी लेखक और इतने बड़े लेखक के लेख को समझाना एक चुनौती तो होता ही होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इनकी जो बारीकी जो चीज थी, जो डेटा था वो आप तक पहुंचे। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप ये वीडियो बीसीएनसी न्यूज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस लेख को प्राप्त करना चाहते हैं तो डिप्रेस जो एक्सप्रेस है जिसके जो संपादक डी के भास्कर जी हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय भीम।